हेलो ड्रेस कंपाउंडिंग सीरीज का आज है अपना डेट 12। तो आज का जो अपना ओपनिंग बैलेंस है वो है 179 रुपीज़, सॉरी 179 डॉलर्स। 30% के हिसाब से जो बनता है अपना आज का टारगेट वो होता है 54 डॉलर। ठीक है, तो आज का अपना जो भी टारगेट है अपन उसको गेन करेंगे। जो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसको सेकंड एक्सेल शीट में टाइप करेंगे। तो देख लो 179 डॉलर है, तो उसको सेकंड एक्सेल शीट में टाइप कर देंगे 179। और ये जो ग्रीन है वो अपने प्रीवियस वीडियो का रिजल्ट है। ठीक है, तो उस नहीं देखा तो जाके आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे 179 टाइप कर दिया, और ये जो अपना है प्रीवियस वाला उसको मिटा देते। तो फर्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आया है वो है 21 डॉलर। तो 21 में यहाँ पे टाइप कर दूंगा 21। ओके, तो देखो आज भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेंगे। इंडिकेटर जो मैंने प्रीवियस अपने अगले वीडियोस में बताए हुए वो अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप लोग को इंडिकेटर फ्री में मिल जाएगा। जस्ट आपको कॉटेक्स अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक के थ्रू और आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने टाइप करके रखा है अमाउंट और यहाँ पे ओके। तो मैं देखो डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया 21 डॉलर के साथ। तो ये वाली जो मेरी ट्रेड है वो इजिली आईटीएम ही होने वाली, बिकॉज यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं यहाँ से। तो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन का हुआ है ब्रेकआउट। तो रिट्रेसमेंट के लिए मेरे हिसाब से कैंडल और डाउन आना चाहिए। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, देख लो इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हुआ है। जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई उसने ब्रेक किया है अपने लेवल को, और यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी था यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो उसकी वजह से ये वाली जो कैंडल है वो इजिली रेड ही बननी चाहिए थी, और रेड ही बन रही है। ठीक है, तो देखो एंट्री अपना थोड़ा गलत है, इसकी वजह से आई थिंक लॉस जा सकते हैं। और ये अपना ओके, देखो तो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो फर्स्ट जो ट्रेड है अपना वो लॉस जा चुका। तो यहाँ पे कैपिटल एल टाइप कर देंगे। अपने पास टोटल 3 चांसेस है, बैक टू बैक थ्री लॉस गया तब जाके अपना जो कैपिटल है वो खाली हो जाएगा। बट यहाँ पे 3 लॉस होने नहीं देंगे अपन। तो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो क्लोजिंग इसका नीचे होने वाला है, तो मैं पहले से ट्रेड बेस कर दूंगा। क्लोजिंग नीचे क्यों, देख लो प्रीवियस यहाँ पे भी एक लेवल है, उसी को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे एक डबल एरिया क्रिएट हो रहा है, तो क्लोजिंग या तो इस लेवल के नीचे होगा या तो फिर अपना जो ऊपर वाला लेवल है उसके नीचे हो सकता है। तो मैंने दैट्स वाई ऊपर से एंट्री प्लेस कर दिए। तो नेक्स्ट अपने को दो दो ट्रेड मिल जाएगा, यानी कि अपना ये वाला अगर विन जाता है कैपिटल डब्ल्यू कर दे तो नेक्स्ट ट्रेड जो 24 डॉलर के साथ जाएंगे। तो 24 यहाँ पे लिख दूंगा, बिकॉज यहाँ पे दो ट्रेड अपने को मिल जाएगा। ये वाला तो अपना आईटीएम होना चाहिए, और जैसे मैंने बोला कि क्लोजिंग ओके, तो एक और ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अपना पहला वाला तो आईटीएम हो चुका है, सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। देखो देखो अगर आपके पास प्राइजेक्शन का नॉलेज होगा तो ऐसे बैक टू बैक भी आपको सिग्नल मिल जाएगा। सिग्नल यानी कि पता चल जाएगा कि पहले से कि कैंडल कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो मैंने सेकंड ट्रेड प्लेस कर दिया, तो ये भी अपना आईटीएम जाना चाहिए। सेलर के एंट्री, सेलर का जो अपना एरिया है उसके अंदर से होने वाला था, और यहाँ पे हो भी रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से सीखने को भी मिल जाए। तो देखो ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ से सेलर का ही एंट्री होने वाला था जो कि हो रहा है। ओके, तो देखो ये अपना सेलर एरिया है, यहाँ से रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने वाला था, और अपना 10 सेकंड समथिंग बाकी, और अपना रेड देखो पॉजिटिव में ही जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से कैपिटल डब्ल्यू टाइप कर देते, यानी सेकंड ट्रेड भी अपना आईटीएम हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड जो अमाउंट है वो 26 डॉलर थे, 26 में यहाँ पे टाइप कर दूंगा 26। और ये जो एंगलफिंग पैटर्न क्रिएट हुए, एंगलफिंग तो हो चुका है, बट यहाँ पे क्लोजिंग इसका देख लो रिट्रेसमेंट होने वाला है। तो ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस करूंगा। रिट्रेसमेंट अभी से पहले से कैसे पता लगाया, देख लो इसी लाइन को उठाऊंगा, कलर थोड़ा चेंज कर देंगे इसका, ताकि रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से दिख जाए। तो देखो ग्रीन कलर का जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाया वो या इसके थ्रू लगाया, देखो इसका हुआ था ब्रेकआउट यहाँ पे। तो रिट्रेसमेंट यही से होने वाला है, यानी कि ये वाला जो कैंडल है वो इजिली ग्रीन बनने वाला है। अगर लॉस गया तो मैं एमटीजी यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, कैपिटल एल टाइप कर दूंगा यहाँ पे पहले से। अगर लॉस गया तो मैं 59 डॉलर के साथ जाने वाला हूँ, बट नहीं देखो फ्लक्चुएशन बढ़ गया है, 59 टाइप कर देंगे। फिर भी देखो मेरे हिसाब से कैंडल ग्रीन ही है, एनालाइज अपना परफेक्ट है, बट फिर भी अगर डोजीज बनता है
तो देखो आई थिंक अमाउंट रिटर्न आया, बट फिर भी चेक कर ले। तो देखो अमाउंट रिटर्न आया, बट मेरा जो यहाँ पे रेट लगाए वो मैंने MTG वाला अमाउंट लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे हिसाब से कैंडल ग्रीन ही है, बट अभी नेगेटिव में जा रहा है। अगर लॉस गया तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे कैपिटल L टाइप कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो अमाउंट है $131 है। बट मेरे हिसाब से ये वाला कैंडल ग्रीन है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ पे जो लेवल ब्रेक हुआ है उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल यही से फॉर्मेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे फ्लक्चुएशन बढ़ गया था आप लोगों ने जैसे देखा। अगर नहीं देखा तो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हो, 10 सेकंड बाकी। जैसे मैंने बोला कैंडल अपना ऊपर की तरफ ही जा रहा है, 5 सेकंड और देख लो, जहाँ पे मेरा एरिया है वहीं पे कैंडल जाके क्लोज दिया, परफेक्ट ट्रेड अपना हो चुका है ITM। तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसको कैपिटल W कर दो, प्रॉफिट ज़्यादा, बिकॉज़ यहाँ पे पहला ट्रेड अपना जो है वो लॉस नहीं हुआ था, वो अपना रिटर्न आ गया था अमाउंट, और वहीं पे मैंने मार्टिंगल प्लेस कर दिया था, तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो अपना ये ITM हो चुका है। टोटल बैक टू बैक 3 महीने विनिंग करके दिखा दिया एक ही पेयर के अंदर, तो इसको बोलते हैं एनालाइज। अगर आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो आगे भी आएंगे। और जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन है वो जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मैं पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे पोल भी होते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उस हिसाब से वीडियो भी आएंगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। सिग्नल भी मैं, मार्केट बेटर रहता है तो सिग्नल भी मैं वहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना, लॉस रिकवर आपका हो जाएगा वहाँ से। तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पे आपका सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।